गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। अभी सुबह के 8:30 बज रहे, 8:35 हो रहा है एंड मैंने जस्ट अपना प्री वर्कआउट मील खाया है। मेरा प्री वर्कआउट मील इतना फैंसी नहीं होता, मतलब नॉर्मली वही जो मैं ओट्स खाता हूँ वो मैंने खाया है, 50 ग्राम्स ऑफ ओट्स। वैसे मुझे एक प्रोट्स जो है प्रोटीन एंड ओट्स वाला वो रेसिपी ट्राई करना है, लेकिन जब मैं प्रोटीन लेना रेगुलर मतलब शुरू करूँगा तब करूँगा। बट एनीवेज गाइज, आज के वाइब्स तो मतलब गाइज बहुत अलग है, मतलब क्योंकि आज जो मेरा चैलेंज था कि आपको हर अल्टरनेट डे एक बढ़िया वीडियो देना, वो कंप्लीट हो रहा है। मतलब 1 मई को मैंने ये चैलेंज दिया था एंड आज इस वीडियो के बाद फाइनली ये जो चैलेंज है वो ख़त्म हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, बहुत मज़ा आया, मतलब बहुत सही था, मतलब काफ़ी कुछ मैंने सीखी चीज़ें। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया, एंड सेकेंड गाइज बींग एन एक्टर, अभी फ़िलहाल बाहर ऑडिशंस वगैरह सब कुछ बंद है, मतलब बहुत कम चल रहा है, जो भी होता है ऑनलाइन पता चलता है तब भेज देता हूँ प्रोफाइल वगैरह, बट अभी ऑफलाइन वगैरह सब बंद है सो कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन गाइज जो ये मेरा चैलेंज था, मे बी इसके वजह से या फिर जो मैंने ब्लॉगिंग करने का सोचा उसके वजह से वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। जो मेरा कैमरा कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गया है, काफ़ी कॉन्फिडेंट लगता है अभी। एंड उसके बाद गाइज दूसरी चीज़, दूसरा तीसरा जो भी, उसके बाद गाइज मैंने एडिटिंग सीखा जो कि बहुत फ़न प्रोसेस है, उसमें भी मुझे काफ़ी मज़ा आने लगा है अभी। मतलब जब आप खुद शूट कर रहे हो, खुद एडिट कर रहे हो तो आपको पता होता है कि आप क्या चीज़ दे रहे हो, आगे क्या चीज़ बना रहे हो, सो या उसने भी काफ़ी हेल्प किया। सो एनीवेज गाइज, ये काफ़ी बढ़िया राइड था, मैं यही बताना चाहता हूँ। बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत कुछ मतलब इम्प्रूव किया, सो काफ़ी मज़ा आया। एनीवेज अभी मैं ऐसे सोच रहा हूँ गाइज, मतलब वाइब आ रहा है ऐसे हर अल्टरनेट डे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव भी हो रहा है, तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि अभी वापस मैं जब शुरू किया था तब ऐसे करता था, मंडे और थर्सडे को डालता था, मे बी मैं वैसे करूँगा, लेकिन जो भी वाइब आएगा मतलब अल्टरनेट डे वाला वाइब आया तो मैं वही करते रहूँगा, वरना फिर मैं हर मंडे और थर्सडे को एक एक वीडियो डालूँगा। सो या ये चीज़ है। एंड एक और चीज़ गाइज जो कि बहुत बढ़िया है, वो है मैंने फाइनली वेटेड पुशअप शुरू कर दिए, वेटेड डिक्लाइन पुशअप्स करना शुरू कर दिया। मैंने अपने लास्ट पुश सेशन में किए थे विद एडिंग 2.5 kg एंड बहुत मज़ा आया गाइज। मतलब उस चेस्ट वाले डे के, मतलब उस वाले पुश डे के दिन ही गाइज इतना सोर हो गया था ना मेरा चेस्ट, बट फाइनली काफ़ी मज़ा आ रहा है। एंड आज वैसे मैं 5 kg ऐड करके करूँगा, क्योंकि 2.5 kg में मतलब ईजिली 10 reps गए, 12 reps गए, सो आज मैं फाइनली 5 kg ऐड करके करूँगा, मतलब 2.5 और ऐड करके करूँगा। सो या काफ़ी अच्छी चीज़ है, बट एनीवेज मेरा पुश डे आज, मैं पुश वर्कआउट करूँगा। ऑल्सो गाइज, अगर आपको वर्कआउट के टाइम एक क्रेजी पम्प चाहिए तो ये ट्राई करना कभी, बस इतना सा नमक लेना एंड रुको, अभी मुझे पीने नहीं होगा, मैं बताता हूँ, पकड़ा हाँ। सो ये ऐसे हल्का सा नमक लेना, मतलब एक थोड़ा सा आप देख लो मेरे हाथ में कितना है वो, एंड उसके बाद इसको पूरा खा लो और बहुत बढ़िया पंप आएगा। अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल। इसको पूरा खा लो एंड बहुत बढ़िया पंप आएगा आपको वर्कआउट के टाइम। मैं जाता हूँ वर्कआउट करने एंड आपको मिलता हूँ थोड़े टाइम में, सो आप लोग वर्कआउट एंजॉय करो। Thank you.
ओहो गाइस, आज का वर्कआउट मतलब क्या बोलूँ, एक नंबर वर्कआउट था, काफ़ी मज़ा आया। पंप देखो, कह रहा था वर्कआउट मस्त छान बढ़िया मनी काढ़ा हो रहा। अभी गाइस क्रिएटिन पी रहा हूँ मैं अपना, वही टैंक में जैसे लेता हूँ वैसे ही ले रहा हूँ हमेशा। और फिर उसके बाद अभी पोस्ट वर्कआउट मील करूँगा। आज पोस्ट वर्कआउट मील में सोया चंक्स नहीं खाऊंगा, कुछ अलग करते। आज उपमा बना हुआ है, थोड़ा सा उपमा खाऊंगा, उसके बाद डिंगी 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 करो गाइस। एनीवेज पोस्ट वर्कआउट मील में आज उपमा बना है तो वो खाऊंगा। सोया चंक्स रोज़ खाते यार, आज थोड़ा अलग करता हूँ। एंड ब्रेड लेके आ रहा हूँ नीचे से, तो ब्रेड एंड पीनट बटर सैंडविच खाऊँगा। सो या बट अभी के लिए अपना टैंक में क्रिएटिन डाल के पीता हूँ और आपको मिलता हूँ थोड़े टाइम में। सो गाइस, अभी मैं फ्रेश होकर आ गया और अभी फ्रेश होकर आने के बाद मैंने अपना उपमा जो है वो ख़त्म कर दिया और अभी ये पीनट बटर सैंडविच है जो कि मैं खाने वाला हूँ। और उसके बाद आज आपको बहुत ही मज़ेदार फिल्म मैं रेकमेंड करने वाला हूँ, सजेस्ट करने वाला हूँ। सो मैं अभी ये खाता हूँ और मैं डायरेक्टली आपको जब मूवी रेकमेंड करूँगा तभी मिलता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, अभी जैसे कि मैं बता रहा था कि अभी एक बहुत ही मज़ेदार फिल्म बताने वाला हूँ आज। और ये फिल्म मैंने मतलब रिसेंटली नहीं तो 5 से 7 बार तो देख ली होगी, मतलब इतनी बढ़िया फिल्म है ना। बट उससे पहले मैं ये कैमरा एक जगह पर रख देता हूँ और फिर शुरू करते हैं अपना मूवी ऑफ द डे। सो गाइस, अभी जिस फिल्म के बारे में मैं बात कर रहा था उस फिल्म का नाम है टेनेट। अच्छा तो हो गया। सो गाइस, अभी जिस फिल्म के बारे में मैं बात कर रहा था उस फिल्म का नाम है टेनेट। या गाइस, जिस फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ उस फिल्म का नाम है टेनेट एंड इट इज़ डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलन। अब ये नाम ही बहुत है, मतलब नोलन भाई का नाम सुन के ही हो गया, मतलब फिल्म बढ़िया ही है। सबसे पहले तो गाइस, इतना बढ़िया एक्शन पैक थ्रिलर फिल्म मैंने अब तक देखा ही नहीं है, मतलब लिटरली यार। नोलन भाई है ऑब्वियसली, आप समझ सकते हो। मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम ये फिल्म देख रहा था ना, तो स्टार्ट कैसे 10 से 12 मिनट तो बहुत बोर हुआ कि मतलब क्या देख रहा हूँ, क्या है ये। लेकिन जैसे ही देखता गया ना, धीरे धीरे क्लाइमैक्स तक पहुँचा, और मतलब कब क्लाइमैक्स आया मुझे ये भी पता नहीं चला, लेकिन जब क्लाइमैक्स आया ना, तब मैं समझ गया था कि दिस इज नॉट अ फिल्म, दिस इज अनबिलीवेबल सिनेमा, क्रेजी मैडनेस मूवी। अब नोलन भाई की फिल्म है तो मतलब ऐसा तो होना ही है ऑब्वियसली। मतलब अब 10 साल हो गए होंगे कुछ इंसेप्शन आए हुए, एंड लोगों को आज भी ऐसे मतलब लोग शॉक्ड रहते हैं कि क्या हुआ, मतलब फिल्म है, क्या है ये फिल्म। एंड टेनेट में तो गाइज मतलब पूरा गेम बदल दिया क्रिस्टोफर नोलन ने। बट एनीवेज गाइज, अभी मैं थोड़ा सा आपको फिल्म के बारे में बताता हूँ। अब ये जो फिल्म है गाइज, वो टाइम ट्रैवल वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अब स्टोरी में क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है, एंड उसको रोकने की जो जिम्मेदारी है गाइज, वो एक टेनेट नाम के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दी गई है। अब क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के सर्वाइवल की बात है, तो जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक सीक्रेट ऑफिसर है जिसने रिसेंटली ये जो टेनेट ऑर्गेनाइजेशन है ये ज्वाइन किया है। अब इसको एक स्पेशल मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया है कि एक रशियन बिजनेसमैन है जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, उसके हाथ में एक स्पेशल एल्गोरिदम पहुँचने से रोकना है। ये इस प्रोटैगनिस्ट का मिशन है। अब सीन क्या है गाइस, कि ये जो रशियन बंदा है ये फ्यूचर में जाके कुछ साइंटिस्ट से डील करके आता है कि जो प्रेजेंट वर्ल्ड है उसको ख़त्म करके यहाँ के जो रिसोर्सेज है वो चुरा कर फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हैं। अब गाइस, जो प्रोटैगनिस्ट है वो टाइम इन्वर्जन को समझ कर, टाइम इन्वर्जन को यूज़ करके जो रशियन बंदा है उसके पास जो एल्गोरिदम होता है उसको पास्ट में जाके हमेशा के लिए छुपाने को ट्राई करता है, ताकि वर्ल्ड वॉर 3 कभी स्टार्ट ही ना हो। तो गाइज, ऐसी कुछ स्टोरी है इस फिल्म की, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंट्रीगिंग स्टोरी है। आप सब देखो, मज़ा आएगा। एंड इस फिल्म की कास्ट भी काफ़ी बढ़िया है गाइज, जैसे जो प्रोटैगनिस्ट है उसका कैरेक्टर जॉन डेविड वॉशिंगटन ने प्ले किया है। अब इसको आपने और भी फिल्म्स में देखा होगा, जैसे ब्लैक क्लैंसमैन में, या फिर रिसेंटली अभी नेटफ्लिक्स में एक फिल्म आई थी मैलकम एंड मैरी, उसमें भी देखा होगा। एंड एक नील करके कैरेक्टर है, वो रॉबर्ट पैटिंसन ने प्ले किया है। रॉबर्ट पैटिंसन को तो सब जानते ही होंगे, मतलब टॉयलेट दिए भाई। बट सीरियसली गाइज, रॉबर्ट पैटिंसन जो है वो मेरे जो ऐसे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स वाली लिस्ट है ना हॉलीवुड, उसमें ऐसे टॉप पे आएगा। मतलब बहुत बढ़िया एक्टर है, उसने काफ़ी सही सही फिल्म्स की है जो कि अब तक लोगों ने देखी नहीं है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल गुड टाइम की है, देन द डेविल ऑल द टाइम, द लाइट हाउस, हाई लाइफ एक्सेट्रा, ऐसे बहुत बढ़िया फिल्म में उसने काम किया है। सो या काफ़ी बढ़िया कास्ट है, काफ़ी बढ़िया फिल्म है। सिनेमेटोग्राफी वाइज भी फिल्म
नोलन है यार, मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता, सब कुछ 10/10 है मतलब इस फिल्म में। सो आप सब जाओ ये फिल्म देखो, एंड ये फिल्म देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। एंड अभी पहले व्लॉगिंग मोड में जाते हैं। सो या आप सब वो फिल्म देखो, मतलब आप सब में से वैसे काफ़ी लोगों ने वो फिल्म देख ही ली होगी, बट फिर भी मुझे एक जो श्रेय हमारे साथ वर्कआउट करते थे उनका कमेंट आया था, उन्होंने बोला कि टेनेट कैसी है, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको भी बता देता हूँ कि कैसी फिल्म है और आप सबको भी रेकमेंड कर देता हूँ। तो जिन्होंने भी नहीं देखी है प्लीज़ जाकर देखो, बहुत मज़ा आएगा आपको। एंड वंस अगेन थैंक यू गाइस, अगर आप सब नहीं होते तो वो जो चैलेंज था मेरा वो पॉसिबल नहीं हो पाता, आप सबके सपोर्ट की वजह से ही जो चैलेंज है वो मैं कंप्लीट कर पाया हूँ। एनीवेज आगे मैं हर मंडे एंड थर्सडे वीडियोज़ डालूंगा, अभी तो फिलहाल ऐसे ही वाइब है, ज़्यादा वाइब आया तो हर अल्टरनेट डे डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट या अभी के लिए व्लॉग यहीं एंड करता हूँ, एंड मैं थोड़े से छोटे से वॉकिंग सेशन के लिए जाता हूँ, काफ़ी बढ़िया वेदर हो रहा है बाहर। सो या अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जाके लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी और घर पे रहो, घर पे रहो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।